साईयो। चक्र नारायण, चक्र नारायण। इस तरह के आरोप के लिए ठोस सबूत और गवाहों की जरूरत होती है, याद रखिएगा। चलो। सरकार, वो आपकी बेइज्जती करके चला गया और आपने उसे कुछ कहा भी नहीं। हरिओम। वो जिस दृढ़ विश्वास से बोल रहा था, इससे मुझे विश्वास हो गया है कि वो चोर नहीं है। दूसरी बात, वो जो भी है हमारे काम आ सकता है। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह उस फकीर से घृणा करते हैं। चक्र नारायण नाम कहा था ना उसने, चक्र नारायण। पता करो वो कहां रहता है, क्या करता है। मुझे उसकी पूरी कुंडली चाहिए। जी सरकार। हरिओम। सब सीधा शिरडी जाऊंगा, आप फाइल लेकर। तेंदुलकर साहब। अरे केशव, नमस्कार। नमस्कार। आप यहाँ? शिरडी ही जा रहा हूँ साईं से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ काम खत्म करना था। पवार है, मेरे साथ काम करते हैं। आप चलिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। लेकिन तुम इस समय कोपर गांव में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय शिरडी में होना चाहिए था, द्वारका माई में। मैं सुबह से वहीं था, यहाँ के दत्त मंदिर में। आई ने मुझे चढ़ावा चढ़ाने के लिए भेजा है, इसीलिए कोपर गांव आया। अभी चलिए मेरे साथ दत्त मंदिर, दर्शन करके इकट्ठे जाएंगे शिरडी। तुम चलो केशव, मुझे सीधा शिरडी जाना है। लेकिन क्यों चंदुरकर साहब? चांदोरकर जी जैसे धार्मिक व्यक्ति मंदिर नहीं आना चाह रहे हैं, क्या बात हो सकती है? सावधान रहना होगा ताकि यहां मुझे कोई पहचान न ले। आप? मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था अपनी समस्या बताओ, यदि उसी समय बताते तो अब तक हल हो चुकी होती। आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इस संसार में तुमसे अधिक कोई उस साई से घृणा करता है तो वो मैं हूं। उसे अनेक बार मैंने नियमों के विरुद्ध जाकर काम करते हुए देखा है, किंतु वह चतुर बुड्ढा अपने कुकर्म को ऐसे छुपाता है जैसे कोई आंखों से काजल निकाल ले। यदि हम हाथ मिला ले तो उसे रंगे हाथ पकड़ना हमारे लिए आसान होगा। हरिओम।
कुलकर्णी सरकार शिरडी का मुखिया है, तुम्हारा भला इसी में है कि तुम इसके बात मान लो। हरिओम। ठीक है सर, यू कैन गो नाउ। आई अब तुम्हारी क्या योजना है? सोच रहा हूं कल रात फिर वहां जाकर तलाशी लूंगा। कल नहीं, आज। तुम्हें जो भी कुछ करना है वो आज ही करना होगा। जिन लोगों ने तुम्हें देखा है वो लोग उस फकीर को और उस खंडहर को तब तक अकेला नहीं छोड़ सकते जब तक वो तुम्हें पकड़ न ले। लेकिन आज कैसे हो पाएगा काम? आज तो उन लोगों के अलावा और भी बहुत से लोग होंगे वहां। हर गुरु पूर्णिमा की संध्या को वो फकीर मारुति के मंदिर में प्रवचन करता है और उसका हर अंधभक्त वहां होता है और खंडहर पूरी तरह खाली। इसलिए इससे अच्छा अवसर तुम्हें कब मिलेगा? तुम आज शाम को ही वहां जाओ और साक्ष्य ढूंढो। हाँ, उस फकीर ने मुझे भी शाम को मारुति मंदिर में बुलाया था। फिर तो हर हालत में मैं आज ही वहां जाऊंगा और 10 दिन के अंदर उस फकीर को जेल पहुंचा कर रहूंगा। तभी उसके अंध भक्तों की आंखें खुलेंगी। साई साई, ऐसा क्या कारण है साई जो आप मुझसे इतना नाराज हो गए? आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं साई? आप मुझसे क्यों दूर भाग रहे हैं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.